Hey, what's up everybody, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है रुद्रादित्य, वेलकम बैक टू माई वीडियो अगेन। एंड गाइस, आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आज मैं मोबाइल फ़ोन्स पर बात नहीं करने वाला, लाइक उसका रिव्यू, कैमरा कंपैरिजन, अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन, ऐसा कोई वीडियो नहीं होने वाला है। आज मैं टिप्स और यू कैन से ट्यूटोरियल्स, जो भी आप समझिए, मैं इस टाइप का वीडियो करने वाला हूँ, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। सो यहाँ पर मेनली दो टिप्स हैं। एंड जो फर्स्ट टिप है वो ऐसे यूजर्स के लिए जो कि सिर्फ प्योर स्टॉक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो। एंड जो सेकेंड टिप है वो सभी के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, जो भी प्योर स्टॉक यूज़र है उन्हें ये पता होगा कि आप अपना कॉलर रिंगटोन जो है वो डिफ़ॉल्ट जो भी यहाँ पे आप मोबाइल में मिलता है वही सिर्फ आप सेट कर सकते हैं। बट मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पे बॉलीवुड सॉन्ग्स या फिर एक्स्ट्रा रिंगटोन्स जो भी हैं, आप उसे कैसे अपने मोबाइल फ़ोन के रिंगटोन में ऐड कर सकते हैं। लाइक अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कंपनी ने हमें प्रोवाइड किए सिर्फ वही रिंगटोन्स यहाँ पे मिल रहे हैं, कुछ लिमिटेड हैं। एंड आप इसके अलावा और कुछ सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे आपको करना क्या है कि प्ले स्टोर में जाना है एंड ES फाइल एक्सप्लोरर, फाइल मैनेजर एक, उसे सिंपली डाउनलोड कर लेना है। काफ़ी छोटा सा ऐप है, 15 MB का। आपको उसे सिंपली डाउनलोड करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ES फाइल एक्सप्लोरर, मैंने इसे डाउनलोड पे लगा दिया है। एंड डाउनलोड होते ही मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है। अभी आपको इसे ओपन नहीं करना है एंड वापस से सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाके साउंड एंड रिंगटोन, जब यहाँ पे क्लिक करिएगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक एक्शन विथ, कंप्लीट एक्शन विथ ES फाइल एक्सप्लोरर। सो आपको ये करना है, यहाँ पे अलाउ एंड एग्री करके आगे बढ़ना है। एंड अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जितना भी फाइल्स है वो सारा कुछ यहाँ पे आ गया है। एंड डेफिनेटली अब आपको अगर कोई बॉलीवुड सॉन्ग ऐड करना है अपने मोबाइल में, सो आप वहाँ पे उसे सिंपली डाउनलोड करिए एंड यहाँ पे आके फोल्डर्स में उसे खोज के उसे सेलेक्ट करिए और अपना रिंगटोन इसे बना दीजिए, जैसा कि मैं अभी करने वाला हूँ। और आपको अगर कोई एक्स्ट्रा रिंगटोन या फिर कोई कस्टम कुछ भी, आप कस्टम सॉन्ग्स अब यहाँ पे ऐड कर सकते हैं बहुत ही आराम से। सो गाइज, मैंने यहाँ पे ये सॉन्ग सेलेक्ट कर लिया और अब ये यहाँ पे डिस्प्ले भी कर रहा है LSD थंडर क्लाउड, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो अब किसी का भी कॉल आएगा तो मेरे पे यही वाला सॉन्ग बजेगा। एंड आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये फीचर कैसा लगा। एंड अब बढ़ते हैं टिप्स नंबर टू की ओर। सो गाइज, यहाँ पे ये है, यहाँ पे बेसिकली एक ऐप है जिसमें आप दो चीज़ कर सकते हैं कि ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड एज लाइटिंग। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हालांकि मेरे इस फ़ोन में भी है, बट वो उसे आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हैं। बट आप इस ऐप की मदद से आप उसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। एंड अगर मैं आपको एज लाइटिंग दिखाऊं तो एक सेकंड, मैं यहाँ पे अपने दूसरे मोबाइल से इसमें मैसेज भेज के आपको जो इसका है एज लाइटिंग वो भी दिखाता हूँ। जब भी आपके मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन आएगी तो वो लाइक दिस, जैसे व्हाट्सएप नोटिफिकेशन अभी आया मुझे, तो ये पूरा चारों जो लाइट है वो एज लाइटिंग जो है वो एक्टिवेट हो गया। सो ये काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है। तो मैं आपको वो ऐप बताता हूँ कि कौन सा है और उसमें आप क्या क्या कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सो गाइज, ऐप ओपन करते ही ये है ऐप का इंटरफेस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टन्स ऑफ फीचर्स हैं जिसको आप खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ऊपर में पांच चीज़ों की, तो यहाँ पे बैकग्राउंड आपको दी गई है, काफ़ी सारी बैकग्राउंड है, आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सारा का सारा जो बैकग्राउंड है वो डार्क है, बट स्टिल यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। एंड यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल भी है बहुत सारा, जो मन आपका वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये तो हालांकि इसे आपको ऑन रखना होगा, वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के लिए। एंड यहाँ पे अगर ब्राइटनेस की बात करें तो 5% इंडोर लाइट में काफ़ी अच्छे से विजिबल है। एंड बैटरी कंजप्शन यहाँ पे बहुत कम है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। 5% उससे ज़्यादा अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली बैटरी थोड़ी ज़्यादा खाएगी। यहाँ पे एज लाइटिंग की कलर्स हैं और भी बहुत कुछ हैं गाइज, आप खुद ऐप डाउनलोड करके खुद भी देखिएगा, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं हर चीज़ दिखाऊँ तो। एंड ऊपर में और भी सारी चीज़ें, लाइक यहाँ पे वॉच फेसेस हैं। सो वॉच फेसेस हालांकि यहाँ पे टोटल 30 है, आई होप कि इन फ्यूचर हमें और ज़्यादा वॉच फेसेस देखने के लिए यहाँ पे इस ऐप की ओर से मिले, बट स्टिल जितना है अभी अच्छा है। एंड यहाँ पे ये काफ़ी सिंपल है, तीन ही है डेट स्टाइल। एंड यहाँ पे एज कर्व जैसा कि आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पे आप इन चारों को तो टिक करना है आपको सेलेक्ट, एंड कर्व साइज़ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सो गाइज, बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड आप मुझे बताइए कि आपका एक्सपीरियंस इस ऐप को लेके कैसा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।